अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सऊदी के लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग अभी सऊदी अरबिया में रहते हैं, क्योंकि कर्फ्यू को लेकर अभी एक नई अपडेट सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से दिया गया है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बेहद जरूरी है। अभी कहां पर और किस तरीके से कर्फ्यू लगाया जाएगा, इसके साथ और भी कुछ नई अपडेट है, वो सारी अपडेट इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप जरूर पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से क्या अपडेट है कर्फ्यू को लेकर। उससे पहले एक नई जानकारी जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर काफी ज्यादा अफवाह भी फैल रही है और इसको लेकर काफी ज्यादा सवाल भी किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्ली ने जवाब दिया है कि अभी जो कोरोना वायरस है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। मतलब काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि दुनिया में अभी कोरोना वायरस गायब हो जाएगा, लेकिन इनका कहना है कि पूरी तरह से ये संभावना अभी नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए। आगे उन्होंने कहा कि हम कोरोना वायरस और जो डेल्टा वायरस है इसके साथ जो ओमिक्रॉन है उसको कम कर सकते हैं काफ़ी हद तक, और इसके लिए हमको यही करना होगा कि पूर्ण तरीके से जो बूस्टर खुराक है उसको लेना बेहद जरूरी है। तो अगर आप किसी भी कंट्री में तो बूस्टर खुराक जरूर ले, लेकिन पहले क्लियर कर लें कि अपने देश में अभी बूस्टर खुराक दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। इसके साथ आगे एक नए संकेत में कहा गया है सऊदी के प्रवक्ता की तरफ से कि अभी जो ओमिक्रॉन है उससे ज्यादा खतरनाक डेल्टा है। तो यहां पर जो डेल्टा है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर काफी ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, इसलिए सभी लोग नियम का जरूर पालन करें और जो वैक्सीन है उसको जरूर लगवाएं, क्योंकि बिना वैक्सीन वालों के ऊपर यह जल्दी प्रभाव डालता है। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या अपडेट है कर्फ्यू को लेकर। तो सऊदी के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल्ली की तरफ से कहा गया है कि अभी इस विवाद को सुलझाया जाएगा इसी तरीके से कि उच्च जो संख्या है कोरोना वायरस उसको निपटाने के लिए जो भी सख्त नियम है वो लागू किए जाए। इसके साथ विशेष रूप से जो किंगडम मतलब सऊदी में रहने वाले लोग हैं उनके कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया जाए। तो ये मान के चलिए कि जल्द कर्फ्यू की वापसी हो सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सऊदी के स्वास्थ्य प्रवक्ता की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द कर्फ्यू लगाने के कुछ चरण लागू किए जा सकते हैं। जैसे ही अपडेट दी जाएगी हम आपको जल्द अपडेट करेंगे।